हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तंदूर एंड फ्राई किचन में और मैं हूं शेफ कादिर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही काम का वीडियो। दोस्तों अक्सर हम मार्केट से मूली खरीदते हैं और इसका पत्ता इसका साग को फिकवा देते हैं। अगर आपने इस तरह से एक बार मूली का साग बनाया जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, जिससे आप कभी भी मूली का पत्ता नहीं फेंकेंगे। ऐसे तो साग हम हमेशा खाया करते हैं, लेकिन विंटर सीजन में इसका स्वाद ही कुछ अलग ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं हरी भरे पत्ते, इसमें विटामिन सी, आयरन और फॉलिक एसिड होता है, जो हमारे किडनी और बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस मूली के पत्ते के साथ हम एक दो मूली को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड कर लेंगे, ताकि ये साग के स्वाद को और भी बढ़ा देगा। आप यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में आलू भी कट करके ले सकते हैं। दो से तीन पानी में अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और चलते हैं बनाने के लिए किचन की तरफ। गैस के चूल्हे में एक कढ़ाई बैठाएंगे और इसमें दो टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल से आप किसी भी साग बनाइए, उसका स्वाद ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑयल को गर्म होने देते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड, राई दाना और इसके साथ लेंगे हम फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक, लहसुन और फाइन चॉप किया हुआ हरी मिर्च। आप इस हरी मिर्च के जगह ड्राई रेड चिली ले सकते हैं होल, और इस गार्लिक के कच्चेपन को दूर होने तक फ्राई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे मूली के छोटे छोटे टुकड़े जो हमने कट किया है। इसे हाई फ्लेम, मीडियम हाई फ्लेम में 2 मिनट फ्राई करेंगे और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इसे फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट इसे फ्राई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम ये जो हमने वॉश करके रखा है हरी पत्ते मूली के, इसे ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। एक बार बढ़िया से मिलाएंगे और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम में 2 मिनट पकने के बाद फिर से एक बार हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे और फिर से इसे कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं मॉइस्चर, इसका जो पानी है ये सूखने लगा है। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे, मूली हमारा अच्छी तरीके से पकना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, जिससे इस साग का लुक बढ़ जाएगा और आपका साग बिल्कुल फ्लेवरफुल और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। फाइनली इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं और ये देखिए 2 मिनट बाद बिल्कुल बढ़िया सा साग हमारा बनकर तैयार है। अब इसे हम गर्मा गर्म परोसेंगे और अपने लंच के टेबल पर इसका स्वाद लेंगे। तो दोस्तों आप भी इसी तरह मूली का साग एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारा चैनल तंदूर एंड फ्राई किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे।